2024 के चुनाव आ रहा है, उसको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, अच्छे अच्छे नेताओं को जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के जो कर्मठ लोग, जो जुझारू लोग, जो सड़क से लेकर संसद तक अभी तक काम कर रहे हैं, अभी तक उनको परेशान करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने अवैध गिरफ्तारी से सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। फरुखाबाद की आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य ने कार्यकर्ताओं के साथ आज कलेक्ट्रेट में जाकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के आवास पर ईडी द्वारा 12 घंटे तक छापामारी की गई। 8 दिनों तक उन्हें डिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, लेकिन जांच में एजेंसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इन सब के बावजूद सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वही फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। संजय सिंह को कोई अनजान व्यक्ति नहीं है और अभियुक्त के द्वारा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया और महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत भी मिल गई। जमानत के सरकारी गवाह बना दिया गया और मणिपुर हिंसा में महिलाओं के निर्वस्त्र घुमाने पर जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ संसाधन में आवाज उठाई तो उन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और अभी तक निलंबित ही है। वही दलित पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों की आवाज लगातार उठाते रहे हैं और किसानों के हितों की रक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, बहाली के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर सांसद तक आवाज उठाते रहे हैं। सांसद संजय सिंह के खिलाफ यह पूरा मामला फर्जी व बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य, मोहम्मद आदिल सिद्दीकी प्रदेश सचिव, जितेंद्र कुमार दीक्षित, अजित शाक्य, जितेंद्र सिंह जिला सचिव एडवोकेट, सर्वेंद्र सिंह यादव जगतपाल जिला उपाध्यक्ष, अन्य सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में। जिस प्रकार सांसद संजय सिंह जी की असंवैधानिक राजनीतिक षड्यंत्र बस उनकी गिरफ्तारी की गई है ईडी के द्वारा, जो शराब घोटाला झूठा शराब घोटाला, एक व्यक्ति के कहने पे ना तो ईडी ने कोई नोटिस दिया उनको, ना नोटिस देने के बाद उनके यहाँ जांच की, जांच करने के बाद उनको एक पैसा भी, एक देला भी सबूत के तौर पे नहीं मिला है जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। ईडी उल जलूल सवाल पूछ रही है कि आप बताइए कि एक बच्चे को जो जिसको 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना था उसको आपने सहूलियत क्यों दी, क्यों आप लोग काम करते हैं, क्यों आप लोग जो है सरकार के ऊपर सवाल करते हैं। तो सरकार के ऊपर सवाल न करें। माननीय संजय सिंह जी ने संसद के अंदर सड़क के ऊपर जो मुद्दे उठाए हैं, जो सवालात उठाए हैं, उससे सरकार डरी हुई है। 2024 के चुनाव आ रहा है, उसको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, अच्छे अच्छे नेताओं को जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के जो कर्मठ लोग, जो जुझारू लोग, जो सड़क से लेकर संसद तक अभी तक काम कर रहे हैं, अभी तक उनको परेशान करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी तक ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिन्हें जेल में डाला गया? ऐसे 170 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको नोटिस दिए गए, उनकी जांचें की गई, जिसमें माननीय केजरीवाल जी के यहाँ पे खुद 8 बार जो है सीबीआई ने रेड की, सत्येंद्र जैन जी को उठाकर के जेल में डाला, लेकिन अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाए। 8 महीने पहले जो आपका जिनका वाशिंगटन पोस्ट में जिक्र होता है, पूरी दुनिया में जिक्र होता है, मनीष सिसोदिया जी, दुनिया के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन अभी तक सबूत नहीं दिया गया, उनकी बार बार बेल खारिज की जा रही है। अभी संजय सिंह जी को उन्होंने पूछ लिया ना कि भाई आपने कोला घोटाला क्यों किया, आपने 19 लाख करोड़ रुपए बड़े व्यापारी को माफ कैसे किए, अडानी के साथ आपके क्या संबंध है, इस बारे में इसलिए परेशान किया जा। अभी आप जो यहाँ आए, इसके आपकी क्या मांगे हैं जो आप? हमारी मांगे हैं कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति को परेशान न किया जाए, माननीय संजय सिंह जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनके ऊपर अगर सबूत है तो ईडी और सीबीआई पेश करे कि हाँ हमें यहाँ से ये मिला है। अभी आप कलेक्टर आए तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारी जो मांगे हैं कि माननीय संजय सिंह जी के ऊपर जो राजनीतिक षड्यंत्र बस
जो जांच की जा रही है, जो उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जल्द से जल्द माननीय संजय जी को रिहा किया जाए और एक सांसद लोकतंत्र के अंदर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा सही तरह से संविधान को पालन करते हुए काम किया जाए। अभी आपने ज्ञापन किसको दिया? अभी हमने राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको दिया है।